इपामर्स स्किन सक्सेस एंटी डार्क स्पॉट फेड क्रीम है, विटामिन ई के साथ है, कह रहे हैं कि सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। और जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि ये डार्क स्पॉट्स को करेक्ट करती है और स्किन को इवन टोन देती है। दे से विजिबल रिजल्ट्स इन 2 वीक्स, और साथ में आपने देखा होगा कि उसके साथ स्टारिक बना हुआ है ताकि उसके बारे में बता सकें कि किन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कौन सी कंस्ट्रेंट्स के साथ जो है वो विजिबल रिजल्ट्स 2 हफ्तों में नज़र आना शुरू होते हैं। नीचे साथ में लिखा हुआ है कि सम सॉर्ट ऑफ मशरूम और साथ में रेटिनॉल जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड किया हुआ जी, 75 ग्राम्स जो है वो अवेलेबल है। और ये वो कह रहे हैं वो जो स्टैरिक था ना वो ये हमारे पास है, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया ये डबल स्टैरिक है, लाइटन करती है डार्क स्पॉट्स को, विजिबली इम्प्रूव्ड डिस्कलरेशन, रिड्यूस्ड अपीयरेंस ऑफ एज स्पॉट्स, इम्प्रूव्ड क्लैरिटी, ब्राइटर मोर रेडियंट स्किन। पामर्स की प्रोडक्ट्स मैं पहले इस्तेमाल करती रही हूँ और ये अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी के साथ मुझे इशू आता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी थिक और थोड़ी सी ज़रा हैवी होती हैं, ऑयली ऑयली सा बीच में फील हो रहा होता है। और ये बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वुमेन जिन्होंने ये इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व की है आफ्टर 2 वीक्स इतनी परसेंटेज है और साथ में आफ्टर 4 वीक्स इतनी परसेंटेज है। लेकिन जी इसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी वो इतनी लाइट है कि वो मेकअप के नीचे भी यूज़ की जा सकती है, सो सपोजडली दिस वन इज़ नॉट थिक एंड हैवी। वो कह रहे हैं कि आपने इसको इस्तेमाल करना है 2x daily ऑन क्लीन ड्राई स्किन, लाइट है इतनी कि ये मेकअप के नीचे यूज़ हो सकती है। साथ ही साथ जी वो कह रहे हैं कि जी डार्क स्पॉट्स, 8 स्पॉट्स, पोस्ट एक्नी स्कार्स और अनइवन स्किन टोन को ट्रीट करने के लिए है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, नियासिनमाइड, रेटिनॉल, विटामिन ई, सम सॉर्ट ऑफ सोंगी मशरूम एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी और मॉइस्चराइजर्स। और साथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो हैं वो ये काम करते हैं। और वो स्टेरिक जो लिखा हुआ था उन्होंने कहा था कि 6 हफ्तों तक जा सकता है जी, हमने लिखा तो है कि 2 हफ्तों में रिजल्ट्स आएंगे, बट वो यहाँ पर देखें छोटा सा कि 6 वीक्स तक जा सकता है। और वो जो रिपोर्ट किए हैं ना उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट्स, ये उनका टेस्ट सैम्पल जो है वो 200 लोगों के ऊपर था जो उन्होंने क्लिनिकल स्टडी के अंदर इस्तेमाल किए थे। ये उसका ब्रोशर है, लीफलेट है, जार में आपको मिलेंगे 75 ग्राम्स। और ज़ाया नहीं करनी, ये महंगी है, थोड़ी सी महंगी थी, थोड़ी थोड़ी सी महंगी थी। अच्छा जी इसी को लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। ये टोटली स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। और जो उन्होंने लिखा हुआ था उन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ था कि ये आप नीचे मेकअप के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्किन के ऊपर कोई ऑयल वगैरह कोई किसी किस्म की चीज़ जो है वो नहीं छोड़ रही है। और कुछ ही देर में जैसे ही इसको लगाया वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई और ऊपर इसके जो है ना वो मज़ीद कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्रोडक्ट टू बी वर्न अंडर मेकअप, और आप इसको बाहर जाने से पहले जो है वो मेकअप के नीचे जो है वो अप्लाई करके जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और रात को भी वो कह रहे हैं कि आपने लगाना है, 2 दफ़ा लगानी है दिन में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट एक्चुअली।